श्रवण दरवाजा खोलो यार। सोफी मुझे निकलना है यार, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया था, प्लीज जाने दो ना। नो। और जो इंसान गोली से नहीं डरा वो इतनी ब्यूटीफुल सी मेहंदी से कैसे डर सकता है यार। बहुत सारे लड़के लगवाते हैं यार श्रवण, ये कैसा ब्रेव सोल्जर माचो बिहेवियर है। हाँ कम आउट, डरने और पसंद ना होने में फर्क होता है। नहीं लगवानी मतलब नहीं लगवानी, बात खत्म। अच्छा तो मैं भी तब तक नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी, बात डबल खत्म। अच्छा तो ठीक है, मैं यही चिल करता हूँ, जाना किसको है, तुम लोग वेट करते रहो दरवाजे पे। क्या यार श्रवण। हाय सुमन। हाय, आ गए तुम, वेलकम वेलकम। तुम बैठो मैं खाना गरम कर देती हूँ। हाँ अरे मैं भूल कैसे गई कि डिनर तो कल था। आई नो सुमन, मैं तुम्हारी नाराजगी डिजर्व करता हूँ, ऐसे बिना बताए गायब हो गया था, आई एम रियली सॉरी। पर अचानक ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो भी हुआ इट वॉज नॉट यू, तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो विक्रम। आई नो सुमन, और इसीलिए मुझे इतना खराब लग रहा है। जो बात तुमने मुझे बेझिझक बता दी थी वो सच बताने में मैं डर गया था। सच? वो क्या है सुमन, वो सूफी और मैं, हम दोनों मुंबई में साथ में थे, सेम कॉलेज में, और हम रिलेशनशिप में थे। मैं इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन सूफी ने रिजेक्ट कर दिया था। What? और उस दिन ना सुमन, वो चाय की टपरी पे जब हम मिले थे तो अचानक, मतलब मैंने बहुत कूल रहने की कोशिश की लेकिन मैं बहुत हड़बड़ा गया था। लगा कि अगर मैं सूफी वाली बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगे कि रिजेक्टेड टाइप का बंदा है, इसलिए चिपकू टाइप का हो रहा है, क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने। तो मुझे बताने के बजाय तुम्हें गायब हो जाना ज्यादा ठीक लगा। आई नो सुमन, गलती हो गई मुझसे, और तुम सारी रात सो भी नहीं पाई ना। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब वो सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ है। हाँ इतना तो जानता हूँ ना मैं, तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। देखो सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि कभी भी तुम्हारे दुख की वजह मैं बनूँ। बहुत जानते हो ना तुम मेरे बारे में, पर इतना सा भी नहीं जान पाए कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी तो तुम्हें बताया ना श्रवण और मेरे बारे में, फिर भी तो। लेकिन सुमन, जो तुम्हारे और श्रवण के बीच में था उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना, तुमने कहा था ना वो बचपना था जो तुम दोनों वक्त के साथ भूल गए, लेकिन जो मेरे और सूफी के बीच में था ना वो बहुत सीरियस था, मैच्योर था, यू नो मैच्योर। खैर खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने फाइनली सच बता दिया। आओ चाय पीते हैं। सुमन वो एक्चुअली क्या है कि सूफी को भी सॉरी बोलना है, क्योंकि उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था तो यू नो उसे बहुत वियर्ड लगा होगा उस दिन। सो ये हुई ना बात, अब ये है वो विक्रम जिसे मैं जानती हूँ। चलो अच्छा, दो दिन में इसकी पहली स्माइल तो देखने को मिली मुझे। तुम भी चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके। ये अचानक कैसे क्यों छुप गया? तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी, और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना। मुझे सॉरी बोलने के लिए कहीं श्रवण ने तो विक्रम से बात नहीं की? विक्रम
मैं भी आती हूँ। आई थिंक सोफी को अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। आ जाओ। You know, and Vikram, you are the dude, huh? What say, girls? He's so cute. He's so hot. मुझे ऐसा पसंद नहीं है तुम अभी के बैठो। प्लीज हटाओ इसे। नहीं चाहिए मुझे। श्रवण, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। ओके, मेहंदी ही है, उतर जाएगी। कोई परमानेंट टैटू तो नहीं है ना? एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। एकदम रियल लग रहा है ये टेम्परेरी टैटू। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है। नहीं नहीं, तुम लोग डांस करो, आई एम ओके। It's done. Nee, I can't. Come on, nee, actually, I have to go. Huh? Kya musibat hai yaar? थोड़ा टाइम दो उसे, तभी रंग चढ़ेगा। एक्चुअली मुझे सब चाहिए ही नहीं था। अगर पसंद ही नहीं था तो हाथ आगे बढ़ाया ही क्यों? सोफी ने जिद की, इसलिए अब ना बोल के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। दूसरों का दिल तोड़ने से तुम कब से डरने लगे श्रवण? मैं तो हमेशा से ही डरता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम वो सोचने के लिए बिल्कुल आजाद हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। श्रवण, अगर तुमने विक्रम को सजेस्ट किया था कि वो आकर मुझे सॉरी बोले, तो वो बात तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए थी। मतलब एक सेकंड, मैं विक्रम को सजेशन क्यों दूं? और तुम दोनों के आपस के मैटर में मेरा क्या? बस करो, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तुम। जो बात तुमने मुझे नहीं बताई विक्रम ने आके बता दी। इसके पेट में मना किया था बताने को। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर तुमने बताया। अभी शक तो मुझे तब हुआ जब विक्रम ने कहा कि मैं सारी रात रो रही थी, और ये बात तो सिर्फ उसी को पता हो सकती है ना जो उस वक्त वहां था, यानी कि तुम। और अब फिर वही टेप चलेगा कि फिर कभी हमारे बीच में मत आना। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ठीक उल्टा होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें। और जिससे आपको कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर दे तो और भी कुछ समझ में नहीं आता कि खुश हो कि ये हुआ, या फिर उदास हो कि शायद फिर ये कभी ना हो। मैं अपनी लाइफ में इस वक्त सिर्फ खुश होना चाहती हूँ, इसलिए थैंक यू श्रवण अब भी मेरी केयर करने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.